हाथ सुन लो गया गाइस, सही में स्नो है, रियल स्नो है। ओए ये लोग लूटने का फुल प्रूफ प्लान बना के रखे हैं। सो गाइस, तुम्हारा भाई ने थोड़ा सा जुगाड़ बिठाया, थोड़ा बहुत बात किया, लड़की भी स्वीट थी तो पटवा लिया थोड़ा सा। खड़ा होकर पोज देना है और कहाँ से फोटो खींचना है, मतलब हर एक को आप मेंशन किया हुआ है। सो हेलो मेरे भाई लोग, एंड वेलकम बैक टू माय फिफ्थ एपिसोड ऑफ चेन्नई। तो आज तुम्हारा भाई जा रहा है स्नो किंगडम, और गाइस काफी कम वक्त लेके आया था मैं, और इसके बाद बस 3 ही दिन बाकी है जहाँ पे मैं मतलब घूम पाऊंगा। तो इसलिए सोचा हुआ स्नो किंगडम और गोल्डन बीच दोनों कवर करेंगे, लेकिन इतना पता नहीं है कि ये इसी ब्लॉग में आएगा या फिर गोल्डन बीच वाला थोड़ा अलग ब्लॉग में आएगा, तो वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा वीडियो देखते देखते। और अभी हम लोग जा रहे हैं स्नो किंगडम पे। सो गाइस, अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए स्नो किंगडम, और बाइक को कर दे पार्क, और चलो राजू भाई एक्सप्लोर करते हैं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि राजू भाई तुम कितने माइनस कितने डिग्री पे बोल रहे थे। वो एक मैंने वीडियो देखा था, हाँ जी, उसमें बोल रहा था माइनस 40 से 60। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि 40 से 60 काफी ज्यादा हो जाता है, ग्लेशियर में भी नहीं होता है, लेकिन देखते बेट लगोगे इसी का पता नहीं। और ये चेक करेगा स्नो किंगडम चलेगा, टिकट मिल गया पर टिकट 650 करके, जो कि हमें राजू भाई से बस सुनना है थोड़ी देर में। चले गाइस, कुछ तो बोला इसने। गाइस यार शूज भी रिमूव करने बोल रहा है। Why should I give you shoes? My shoe allowed, sir. My shoe. What? My shoe. My shoe. My shoe. तो चलिए हम लोगों से शूज उतरवा दिया गया है। मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ, इनका लैंग्वेज समझ में आ नहीं रहा। सॉक्स दे दिए गया है, अब क्या करना है? जूते मिल गए हम लोगों को, ये देखो जूता, और क्या है ये, क्या है, जैकेट मिल गया है। हम लोग झटपट इसको पहन लेते और उसके बाद आगे निकलते, ऐसा लग रहा है इतना ठंड होगा, ये सब दे के रखा है। राजू भाई का बात कहीं सजना हो जाए, राजू भाई ऐसा लग रहा है कि काफ़ी माइनस में रहेगा टेम्परेचर। तो चलेगा हम लोग झटपट ये सब पहन लेते और उसके बाद अंदर चलते। सो गाइस, पहन लिया है हम लोगों ने ये स्नो का ड्रेस, पूरा रेडी है, मीन्स गेट इन। ओके, थैंक यू। चलिए गाइस, घुस गए अंदर। ओके, चलो। ये गाइस देखो चारों तरफ, ओहो ठंड तो अच्छा खासा है। चलो। अरे भाई भाई ठंड काफी है, काफी ठंड है। ओह माय गुडनेस, पहले ही बहुत ठंड है गाइस, काफी ठंड है यार। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब पहनना पड़ेगा सही में, लेकिन ठंड काफी हो रही है। देखो गाइस तुम्हारा भाई रेडी है, और ये क्या है, सही में स्नो है क्या? हाँ राजू भाई, सही में स्नो है क्या? राजू भाई सही में स्नो है, ओह सही में स्नो है ये सब तो। गाइस मैंने कसम से नहीं सोचा था कि इतना मस्त होगा, और क्या ठंड है भाई अंदर, और ये देखो सुकन्या है। आप बताओ टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर आज कम से कम -40 -10 में, इतना भी कम नहीं है गाइस। मैं ये ग्लव्स खोल लेता यार, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। राजू भाई डाल लो कहीं पे। गाइस ये चेक करे, रियल स्नो है, काफी ठंडा है।
और क्या मस्त है यार, ये क्या है गाइस? राजा भाई आओ, नहीं बैठो, हाथ सुन लो क्या गाइस? चलो गाइस आगे हम लोग चलेंगे स्लेज, और हमारा कुत्ता है राजू भाई, खींचो। अरे राजू मेरा हाथ कसम से दर्द कर रहा है ठंड से, एक ग्लव्स दे दो यार। ओह गाइस हालत खराब हो गया है, खाली हाथ से बर्फ को छू लिया था और ये इतना, ओ भाई भयंकर गांड ठंडा हो गया। राजू भाई खींच लो, माँ कसम हाथ सुन्न पर गया है। कसम से गाइस इससे मैं इस बर्फ को छुआ था और गाइस हाथ इतना सुन्न पर गया है ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। सब गर्मी निकल गया, ऐसा ही लग रहा है राजू भाई, बहुत ठंड है। ये क्या है गाइस? अभी तुम्हारा भाई बन गया है पूरा ग्लेशियर वाला इंसान। और कहीं पे कुछ घूमने के लिए है क्या गाइस? एक्सट्रीम लेवल, मैं अभी बैठ के थोड़ा हाथ को गर्म कर रहा हूँ और अभी चलते हैं गाइस ऊपर। चलो ये देखो अंदर लोग घुसे हुए, अभी अभी घुसेंगे गाइस, हाथ को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। ओ भाई कसम अलग लेवल का एक्सपीरियंस है और मुझे धीरे धीरे अच्छा खासा ठंड लगना शुरू हो गया है। आई थिंक मुझे ये ग्लव्स भी पहन लेना चाहिए। ए राजू भाई कहाँ गए रे? सब सेम कपड़े में घूम रहा है, अरे कैसे घुसे? ये राजू भाई देखो फुल एक्साइटमेंट में। राजू भाई एक चीज ये हटा लो यार, नहीं ठंड लग रहा है। सब गाइस सेम कपड़े में है, ढूंढ नहीं पाते। कसम से चेन्नई में ऐसा बर्फ का मजा ले पाऊंगा सोचा नहीं था। तो गाइस अभी करेंगे यहाँ से स्लाइड, क्या स्कीइंग हो जाता ना और भी मजा आता। और राजू भाई क्या बोलते? ओके लेट्स गो, चलते हैं गाइस। क्या हम रेडी है? बिस्तर हो रही है, बिस्तर लेके। ये क्या है टायर है? चलो गाइस हम लोग अपना सवारी में बैठ गए, दे दो धक्का भैया। काल मिले, काल मिले। ओ भाई साहब चल लगे, चले गाइस। गाइस हालत खराब हो गया। और राजू भाई कैसे हो? मजा आ गया। लेकिन इसमें और कुछ करना है नहीं, यही यही दो चीज है। चले यार थोड़ा आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी देखो गाइस 360 राजू भाई ट्राई करे। इसके लिए ही तो आए गाइस, एडवेंचर चाहिए। पैसा वसूल नहीं करना है क्या? वही तो 650 करके पर टिकट है, पैसा वसूल करके जाना है गाइस। चाहिए तो ये जो स्नोमैन है ना इसका नाक तोड़ के निकल जाएगी। आप लोग क्या बोलते हैं राजू भाई? ये बोलते नाक तोड़ के निकल जाएगी स्नोमैन का। ये क्या है? अच्छा ये पहनने के लिए। ये देखो गाइस जगह छोटा है लेकिन मस्त ठंड है। ये गाइस ये चेक करें, ये पूरा बर्फ का है। ये देखो गाइस पूरा बर्फ से बना हुआ है ये जो बैठने वाला जगह है। ओ
वो सब भी बर्फ का बना है क्या? पोलर बेयर वगैरह चलेगा इस? अभी अपना राजू भाई ट्राई करेगा 360 डिग्री वाला। राजू भाई एक 360 चाहिए, ठीक है? राजू भाई चलो कर लो जल्दी। गाइस मेरा हाथ दर्द दे गया है थोड़ा सा, आप लोग सिनेमेटिक चेक करें और तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा इधर का माहौल पता कर लेते हैं इन गार्ड्स के साथ बात करके। और भाई हेलो, आज टेम्परेचर कितना रहता है इधर का? माइनस 8 भाई साहब, इट्स टू कोल्ड भाई, पूरा 18 है, 18 डिग्री सेल्सियस है माइनस में। ठीक है फिर भाई, पहली बार एक्सपीरियंस किया और प्लान बन रहा है हमारा नेक्स्ट ईयर एक बर्फ की जगह में जाने का, तो लग नहीं रहा कि कर पाऊंगा। बस हमारे यहाँ पे ये भी निकल के आया है, बाइक का डरावना लग रहा यार। गाइस चले गाइस, हम लोग अभी स्नो किंगडम के मेन जो स्नो एरिया था उधर से निकल गया, तो अभी चलते हैं क्लिक कार्ट पे और वहाँ का पता नहीं क्या सिस्टम है क्या है। टिकट दे टू कर सेपरेट टिकट, सेपरेट टिकट फ्रॉम हर शूट है पर पर्सन 100। वेयर आई कैन गेट दिस टिकट? दैट साइड, ओके चलेगा इस वो वाला टिकट लेते। एक चीज़ बताओ, हर एक का एक एक टिकट है तो ये तो थोड़ा गलत है ना, हर एक जगह पे जा रहा हूँ मतलब एक ही जगह का 10-10, 15-15 टिकट लेना पड़ रहा है। लोगों ने अभी 8 गैलरी का टिकट ले लिया, तो अब इसको लेके घुसते हैं और ये लोग लूटने का फुल प्रूफ प्लान बना के रखे है। हर एक जगह का छोटी सी एक जगह है तो हर एक जगह में घुसने के लिए सेपरेट टिकट है, कहीं पे 600 का कहीं पे 100 का। ये हमें टिकट पर हेड 100 का। What? Video not allowed? Why? Only photos. Then how do you know when I take videos? Tell me. Video are allowed in this. Only photos. Okay, so ये बोल रहे video इल्ले। तो गाइस दोबारा भाई ने थोड़ा सा जुगाड़ बिठाया, थोड़ा बहुत बात किया, लड़के की स्वीट थी तो पटवा लिया थोड़ा सा। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं अपना आर्ट गैलरी पे, सॉरी फोटो क्या था ये, आर्ट गैलरी या फोटो गैलरी जो भी था। सो हियर वी गो। सो यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, बस फोटो लेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो अभी आप लोगों को चेक कराते हैं फोटोज वगैरह, तो तभी आप लोग समझ पाओगे कि ये क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे देखिए कहाँ पे बैठ के फ़ोटो खींचना है और कहाँ पे खड़ा होना है, ये देखिए ये सब कहाँ पे खड़ा होकर पोज देना है और कहाँ से फ़ोटो खींचना है, मतलब हर एक वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो उस हिसाब से मतलब खड़ा होकर पोज देना पड़ता है। तो अभी का सिनेमेटिक तो शायद ही बनेगा, लेकिन देखते हैं ट्राई करते हैं कि सिनेमेटिक भी बन जाए और फोटोस आप लोगों को चेक कराते हैं। तो गाइस हो गया अपना इधर का फोटो शूट वगैरह, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा
तो अभी हम लोग ले रहे हैं एग्जिट, क्योंकि हमें जाना है अभी गोल्डन बीच पे, तो वहाँ पे चलते हैं। यहाँ का जो स्टाफ है वो देख के मतलब यहाँ से निकल गई, पता नहीं शर्माती है कि या फिर जो भी है, लेकिन उसी स्वीट गर्ल ने हमें परमिशन देता। और अभी चलना है गोल्डन बीच, तो उधर चलते। और यहाँ का एक्सपीरियंस मेरे को स्नो पार्क ज़्यादा अच्छा लगा, और यहाँ पे मतलब वीडियोग्राफी के लिए उतना सही नहीं है, लेकिन आप फोटोज़ वगैरह ढंग से क्लिक कर सकते हो, तो उसका कोई मतलब वो इशू नहीं है, फ़ोटोज़ काफ़ी बढ़िया आता है। लेकिन स्नो पार्क भाई गजब, और क्या अंदर ठंड था राजू भाई, बहुत ठंड था, मैं सिकुड़ गया पूरा। स्टार्टिंग में जब घुसे थे तो उतना वो नहीं लगा, अरे रुको इधर एक दो फोटो भी लेंगे ना, तो स्टार्टिंग में जब मतलब घुसे थे तो उतना ठंड नहीं लग रहा था, लेकिन भाई उसके बाद गदर। और जितना एंजॉय किया ना, एंजॉय करते करते सिनेमेटिक कम पर गया, क्योंकि हम लोग एंजॉय में ही बिजी हो गए थे, तो ज़्यादा वीडियोस मतलब उतना सिनेमेटिक्स नहीं आया, तो इसके लिए सो सॉरी। तो अभी चलते हैं अपना क्या बोलते हैं गोल्डन बीच, और ये ब्लॉग मैं यहीं पे दी एंड कर रहा हूँ। तो गाइस अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और लाइक शेयर तो आप लोग कर ही दोगे। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग पे, सो बाय बाय एंड टेक केयर।